हेल्थ केयर फाउंडेशन संस्था ने उपमंडल कंडाघाट के अंतर्गत आने वाली क्वारक पंचायत के गांव शिचीड़ा में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें गांव व स्कूल के 34 विद्यार्थियों एवं 78 मजदूरों सहित 168 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वही जांच के बाद निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान डॉक्टर पार्थ सारथी, डॉक्टर नंदा, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर रेणु, फार्मेसिस्ट दलीप भट्टी, शालिनी, रुचिका, जयंत, संतोख, पूरन शामिल रहे। स्वास्थ्य जांच के साथ साथ मुफ्त में दवा वितरण एवं खून की जांच इत्यादि टेस्ट किए गए, जिसका भरपूर लाभ क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के उठाया। क्योंकि सिचड़ा में कंडाघाट के अंतर्गत आता है गांव, यहां पे हेल्थ कैंप रखा गया था, तो इस सोसाइटी में हम कुछ एक डॉक्टर्स की टीम थी, कुछ एक फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर्स और हमारे नर्सेस थे, जिसमें हमने अपने असंक्रामक रोग होते हैं, जैसे अपना शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी चीज़ें, एक अपने जनरल बीमारियां जो आजकल चल रही है, फिर थोड़ा शुगर टेस्ट हुए और अपने एचपी टेस्ट हुए, तो इस प्रकार हमने जो हमारे लोकल गांव की, आसपास के गांव की, वहाँ के प्रवासी अप्रवासी मजदूर जो हैं, ये भारी मात्रा में आए और इन्हें मुफ्त इलाज दिया गया, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त टेस्ट सब कुछ किया गया इनका, और लोगों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। सब ने आके अपना अपना जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य की जांच करवाई। ये जो हमारी हेल्थ केयर फाउंडेशन है, ये संस्था हमारी एचपी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर स्टेट वाइड रजिस्टर्ड हुई है, और इस संस्था का जो बेसिक एम है वो हेल्थ है। लोगों को हम डॉक्टर्स होके एक अपने दिल में रहता है कि भाई लोगों तक जो स्वास्थ्य सुविधा है वो पहुँचाएँ, तो उसको ज़रूरी नहीं होता कि सरकार के साथ चल के सरकार के साथ भी चल के और अपने से भी जितना प्रयासरत हम रहे हैं, जितना हम कर सकें वो हम करने की कोशिश करते हैं उसमें, तो उसी के मुताबिक हमने ये संस्था बनाई है। इसमें डॉक्टर्स ही हैं और इसमें बाकी पैरामेडिकल्स भी हैं और हमारे सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स भी हैं, तो इसमें हम सबका योगदान है सारे मिलके, और हमारा बेसिक एम जो है वो है लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। अब स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे हमारी महिलाएं, एक छोटा सा बच्चा होगा पैदा होने पर, उसमें बहुत से रोग होते हैं, हो सकते हैं कुछ कुरचनाएँ हो सकती हैं, बड़े होके वही बच्चा, एक लड़की अलग से, एक लड़का अलग से, इनकी एक एज होती है जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो इनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, ड्रग अब्यूज़ के ऊपर लड़कों का हमारे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, लड़कियों का उस टाइम क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज अलग होती है, उनका अलग से चेकअप करना पड़ता है। उसी तरह हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको देखा जाता है, उनमें खून की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, तो के एक अपने दिल में रहता है कि भाई लोगों तक जो स्वास्थ्य सुविधा है वो पहुंचाएं, तो उसको ज़रूरी नहीं होता कि सरकार के साथ चल के सरकार के साथ भी चल के और अपने से भी जितना प्रयासरत हम रहे हैं, जितना हम कर सकें वो हम करने की कोशिश करते हैं उसमें, तो उसी के मुताबिक हमने ये संस्था बनाई है। इसमें डॉक्टर्स ही हैं और इसमें बाकी पैरामेडिकल्स भी हैं और हमारे सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स भी हैं, तो इसमें हम सबका योगदान है सारे मिलके, और हमारा बेसिक एम जो है वो है लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। अब स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे हमारी महिलाएं, एक छोटा सा बच्चा होगा पैदा होने पर, उसमें बहुत से रोग होते हैं, हो सकते हैं कुछ कुरचनाएँ हो सकती हैं, बड़े होके वही बच्चा, एक लड़की अलग से, एक लड़का अलग से, इनकी एक एज होती है जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो इनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, ड्रग अब्यूज़ के ऊपर लड़कों का हमारे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, लड़कियों का उस टाइम क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज अलग होती है, उनका अलग से चेकअप करना पड़ता है। उसी तरह हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको देखा जाता है,
उनमें खून की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम हो तो उसको कैसे डील करना, उससे क्या क्या बीमारियाँ आगे बच्चे को हो सकती है, माँ को हो सकती है। उसी के साथ साथ हमारा जो थोड़ा अपना संस्था का जो फोकस है वो महिला एवं बाल उनका दोनों का विकास, इनका जो वो होता है ना सशक्तिकरण, इस तरफ भी है। और आगे भी हम जो इसमें हमारा जो संस्था का मोड है ये कि भी पूरे हिमाचल में इसी प्रकार के स्वास्थ्य के हम कार्यक्रम करते रहें और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारी संस्था प्रयासरत रहेगी। तो सर इसमें आपने कितने लोगों का जो है टेस्ट या? इसमें आज लगभग जो वहाँ पे प्रवासी मजदूर थे उनकी अपनी यूनियन वालों ने हमारे को अपनी, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई काउंट तो नहीं किया, तो उन्होंने अपना खुद ही एक बना के दिया। तो लगभग 64 के आसपास मजदूर थे, जिस 64 हाँ जी, जिसमें लड़के थे, लड़कियाँ थी, उनकी बच्चे थे छोटे छोटे, उन सभी का वो किया गया। साथ में जो वहाँ के गाँव के लोग थे वो कम से कम कोई 40-50 के आसपास थे, और लगभग इसी मात्रा में वहाँ पे जो स्कूली बच्चे थे वो पहुँच गए थे। लगभग इतना लेके चले 150 बच्चों के आसपास, 150 लोगों के आसपास वहाँ पे इकट्ठा हुआ।